Hi friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. कोई भी दिन बेस्ट होगा अगर आप रोज यूज होने वाले खाने की चीजें नेचुरली घर में बनाएं। उनमें से एक मेरा पसंदीदा है जो बच्चों को भी बहुत पसंद है वो है पीनट बटर। चार तरह के पीनट बटर बनाने के लिए चार कप कच्चे पीनट्स यानी मूंगफली चाहिए जो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी। पीनट बटर बनाने से पहले देखें मूंगफली को रोस्ट कैसे किया जाता है। कभी भी बाजार से डायरेक्टली रोस्टेड पीनट्स लाके भी यूज कर सकते हैं, पर इन केस मेरी तरह आप ही पीनट्स होलसेल में बल्क में लाते हूँ जो काफी सस्ता पड़ता है, इसीलिए आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगी पीनट्स को तीन तरीके से घर में परफेक्टली रोस्ट कितनी आसानी से किया जा सकता है। पहला है अवन यूज करके। एक बेकिंग पैन में पार्चमेंट पेपर स्प्रेड कर दे, उस पे मूंगफली कायदे से स्प्रेड कर दे और अवन में 350 डिग्री फ़ारेनहाइट या 180 डिग्री सेल्सियस पे 6 से 9 मिनट के लिए रख दे। डिपेंड करता है आप पीनट्स कितना रोस्टेड चाहते हैं। जैसे कि मैंने 3 मिनट का टाइमर सेट किया है, हर 3 मिनट में चेक करने के लिए उसे बराबर रोस्ट करने के लिए टॉस करते रहें हर 2 से 3 मिनट में, जब तक आपके पसंद अनुसार रोस्ट ना हो जाए। दूसरे के लिए माइक्रोवेव यूज किया। पीनट्स रोस्ट करने के लिए एक प्लेट में पार्चमेंट पेपर रखा और पीनट्स इवनली स्प्रेड कर दे ताकि सारा एक ही जगह इकट्ठा ना हो। अब माइक्रोवेव में 8 से 10 मिनट के लिए रखें। हर 1 से 2 मिनट में टॉस करते रहें ताकि हीटिंग स्पॉट्स के वजह से जल ना जाए। अगर इनमें से कोई इक्विपमेंट ना हो तो परेशान ना हो, आप सिंपली एक सॉस पैन स्टोव पे मीडियम से लो फ्लेम में 12 से 14 मिनट के लिए रखें। इवन दो आपको फ्लेम बढ़ाने का मन करेगा जल्दी रोस्ट करने के लिए, पर ट्रस्ट मी जल्दी ही रिग्रेट करेंगे, इसीलिए हैव पेशेंस, स्लो एंड स्टेडी तरीके से फ्रीक्वेंटली टॉस करते रहें। एक बार किचन में अमेजिंग नटी खुशबू से भर जाए और जब स्किन ब्राउन हो जाए समझ जाइए हो गया। अब सब कुछ 15 मिनटों के लिए ठंडा होने रख दें। हर एक तरीके से रोस्ट करने के लिए जो टाइम मैंने यहाँ मेंशन किया वो थोड़ा अलग हो सकता है, आपके इक्विपमेंट और वो जिस इंटेंसिटी पे काम करता है उस पे डिपेंड करते हुए, क्योंकि हर एक मशीन अलग होता है और इस पे भी डिपेंड करता है आप पीनट्स कितना रोस्टेड चाहते हैं। जैसे मैं इसे लाइट ब्राउन प्रिफर करती हूँ। कोई भी तरीका अपनाएं, एक ही इम्पोर्टेंट टिप है, पीनट्स को बार बार हिलाते यानी टॉस करते रहें ताकि वो जले ना और इवनली रोस्ट हो। सारा ठंडा होने पर इस तरह उंगलियों से स्किन हटा दें। यहाँ अच्छे से देख सकते हैं, जो भी तरीका आप अपनाएं अंत में सारा एक जैसा ही दिखेगा। अब ध्यान से छलनी से पीनट्स के छिलके हटा दें। सारे पीनट्स हो जाने पर महीनों तक सेफली स्टोर करें। अब जो मैं प्रिफर करती हूँ, बल्क में इन्हें अपने फ्री टाइम में रोस्ट करके एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर दें ताकि बाद में यूज कर सकते हैं। ये एक मील प्रेप है। मेरे बाकी के ब्रेकफास्ट रेसिपीज जैसे पोहा या ग्रैनोला या सिंपली सैलड्स में डालें या पीनट बटर की ड्रेसिंग की तरह यूज करें या स्नैक की तरह जैसे ट्रिल मिक्स, इस तरह यूज के लिए काफी सुविधाजनक हो जाता है। अब इन्हें यूज करने वाली हूँ होममेड पीनट बटर बनाने के लिए, जो आप मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर अभी तक नहीं किया। सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच ये देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।